Assalamu alaikum dear students, I am here with a topic and that topic is related to impulse. Okay, very nice. तो बेटा आज यहाँ discuss करेंगे again impulse के बारे में, ठीक है ना? तो बेटा आज का topic जो है हम यहाँ numericals करेंगे related to impulse. And dear students, impulse is nothing but it is change in linear momentum, ठीक है ना? क्या है, हमने पिछले टॉपिक में बेटा जो निकाला इम्पल्स, तो आज यहाँ करेंगे बेटा पहले या क्या करेंगे यहाँ बेटा इम्पल्स लेकिन न्यूमेरिकल्स करेंगे. किसके बारे में? इम्पल्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना? इम्पल्स है किसके बराबर बेटा? एक्चुअली हमने किसके बराबर निकाला था जिसको मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम भी कहते हैं. ये इम्पल्स आ रहा है बेटे किसके बराबर? इम्पल्स इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन लिनियर मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, लेकिन एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम यहां लिनियर मोमेंटम है, ठीक है ना? चेंज इन लिनियर मोमेंटम, ये याद रखो बेटा. तो जब भी न्यूमेरिकल में आपको बेटा चेंज इन मोमेंटम मालूम हो जाएगा, व्हेन यू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम देयर इन द क्वेश्चंस, इट मींस दैट यू हैव फाइंड देयर इम्पल्स, ठीक है ना? अगर बेटा आपने चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसी जगह किसी क्वेश्चन में निकाला, किसी न्यूमेरिकल में निकाला, इवेलुएट किया, इसका मतलब है कि आपने इम्पल्स मालूम किया. क्या किया मालूम? इम्पल्स. बिकॉज वंस यू फाइंड चेंज इन मोमेंटम एंड दैट चेंज इन मोमेंटम, दैट चेंज इन लीनियर मोमेंटम डियर स्टूडेंट इज किसके बराबर होता है? इम्पल्स के बराबर, ठीक है ना? तो ओके, वेरी नाइस. देखो बेटे क्या है, तो यहां स्टार्ट करेंगे. देखो बेटा इम्पल्स के बारे में कुछ बातें, ठीक है ना? ओके, देखो बेटा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे, कुछ एप्लीकेशंस यहां बेटा बताएंगे, थोड़ा एग्जांपल्स देंगे. देखो बेटा क्या है, वेयर वी फाइंड दिस फाइंड द एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स. हम कहां देखते हैं इम्पल्स की एग्जांपल्स, कहां देखते हैं बेटा? देखो, व्हेन ए प्लेयर कैचेस ए बॉल, अगर कोई प्लेयर किसी बॉल को कैच करता है, व्हेन दिस बॉल इज हिट बाय अ बैट्समैन, तो वो बेटा वो प्लेयर वो खिलाड़ी जो कैच करता है गेंद को, बॉल को कैच करता है, वो अपनी हाथ पीछे लेता है. थोड़ा पीछे क्यों लेता है? एक्चुअली इसे जो है ना टाइम ज्यादा बढ़ता है, चेंज लीनियर मोमेंटम तो सेम है लेकिन फोर्स कम रहेगा. देखो बेटा क्या है, एक्चुअली फोर्स हियर इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय स्मॉल टाइम, बाय टाइम, या स्मॉल टाइम कहो बेटा. ऐसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम. ओके, तो चेंज इन मोमेंटम इट इज नथिंग, इट इज इम्पल्स. अगर ये इम्पल्स बेटा कॉन्स्टेंट रहेगा, मान लीजिए कि कम टाइम लगा, ये देखो चेंज इन मोमेंटम है. जब व्हेन ए बॉल गेट्स कैचड, जब हम बॉल को कैच करते हैं, तो इस वक्त अगर ये टाइम हमने ड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ टाइम हमने बढ़ा लिया, इम्पैक्ट टाइम बढ़ा लिया, ये टाइम ज्यादा, चेंज इन मोमेंटम तो सेम है जो ट्रांसफर होगा, लेकिन फोर्स क्या होगा? कम. तो ऐसा करने से जब टाइम बढ़ेगा तो बेटा क्या हो जाएगा? वी विल नॉट गेट इंजर्ड, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ेगा. ऐसे करने से जब इम्पैक्ट हो जाएगा तो टाइम थोड़ा बढ़ता है, टाइम थोड़ा बढ़ने से फोर्स कम होता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जब फोर्स कम लगेगा इसका मतलब है कि वी विल नॉट गेट इंजर्ड. ओके, वेरी नाइस. दिस चेंज इन मोमेंटम इज सेम. अब बात क्या है, क्या कम टाइम में लगेगा या ज्यादा टाइम में? अगर टाइम कम है, किसी कोई अनाड़ी होता है जब वो आ जाता है कैच करने के लिए, तो बेटा वो ऐसे हाथ लेता है, जब ऐसे हाथ लेता है तो टाइम कम होता है, तो जब टाइम कम होता है तो फोर्स ज्यादा. लेकिन अगर टाइम ज्यादा लगेगा, देखो बेटा ऐसे कैच करने से टाइम ज्यादा लगता है, टाइम करने से ज्यादा टाइम लगता है तो फोर्स कम, जब फोर्स कम लगेगा तो इंजरी कम होती है. ओके, विनेश, क्या मैंने कहा बेटा? F is equal to del P by del T. अगर कम टाइम लगा चेंज इन मोमेंटम को, तो बेटा फोर्स ज्यादा हो जाएगा, that we will get injured. ऐसा अगर कोई ऐसी गेंद को ऐसी हाथ लेगा, ऐसे डायरेक्टली इसको पकड़ेगा, तो डायरेक्ट पकड़ने से टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा, तो इंजर्ड हो जाएगा. लेकिन अगर वो ऐसी गेंद को करेगा, ऐसी बेटा गेंद को करेगा, थोड़ा हाथ ऐसे लेगा, तो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ेगा और फोर्स कम हो जाएगा. ऐसा करने से क्या, हाथ पीछे लेने से टाइम ऑफ जो इम्पैक्ट वो ज्यादा हो जाएगा. और फोर्स क्या है? फोर्स इज डेल पी बाई डी टी, डेल पी इज सेम, तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम. And we will not get injured. And these are some examples that are related to impulse. Okay, एक example ये थी. और बेटा एक और example है, CDR. Okay, very nice. एक और example देंगे.
सपोज ए पर्सन इज, अगर कोई पर्सन गिर जाए सीमेंटेड फ्लोर पर, ठीक है ना, सीमेंटेड फ्लोर पर ही विल गेट इंजर्ड, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट टाइम ऑफ कॉम्पैक्ट कम होता है, टाइम ऑफ इंपैक्ट कम होता है, फोर्स ज्यादा होता है, बट चेंज इन मोमेंटम इज सेम. लेकिन अगर यही चेंज इन मोमेंटम अगर नीचे सीमेंटेड के बगैर, सीमेंटेड इंस्टेड ऑफ सीमेंटेड सरफेस, देयर इज सैंड, सैंड पर गिरने से थोड़ा टाइम बचता है और चेंज इन मोमेंटम सेम रहेगा. देखो बेटे क्या है, F is equal to change in momentum, and change in momentum is nothing, it is m plus and divided beta, yahan kya hai delta. Dekho beta kya, agar cemented floor par, kis par girega, cemented floor, to beta time of impact, ye time kam ho jayega, delta kam ho jayega, to force kya badhega beta, force zyada ho jayega, aur result kya aayega, result is that he will get fractured, he will get injured, okay, very nice. तो अगर ये अगर रेत पर गिर जाएगा, अगर ये कंडीशन, ये डेल्टी सेम है, देखो बेटा डेल्टी सेम, लेकिन अगर सीमेंटेड फ्लोर पर गिरेगा तो टाइम ऑफ इंपैक्ट कम हो जाएगा, टाइम ऑफ कंटेक्ट कम, इंपैक्ट कम, लेकिन फोर्स क्या होगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ही विल गेट इंजर्ड, बट चेंज इन मोमेंटम इज सेम. अगर यही चेंज इन मोमेंटम अगर बेटा अगर सैंड पर, नाउ सैंड, इफ नाउ देयर इज सैंड ऑन द सर्फेस, तो डेल पी बाई डेल टी, डेल पी इज नथिंग बट एम प्लस होता है, डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है ना. तो जब सैंड पर गिरेगा तो डेल टी ज्यादा हो जाएगा बेटा, और फोर्स क्या लगेगा, फोर्स कम लगेगा, एंड ही विल नॉट गेट इंजर्ड, इंजरी नहीं, ही विल नॉट गेट इंजर्ड, ओके, वेरी नाइस. तो ये बात आई कुछ समझ में, तो इंपल्स कांस्टेंट रहता है लेकिन टाइम की बात है, टाइम ऑफ इंपैक्ट कम है ज्यादा. यहां बेटा सीमेंटेड फ्लोर पर टाइम ऑफ इंपैक्ट कम होता है तो फोर्स ज्यादा, तो इंजर्ड, लेकिन सैंड पर क्या होता है, सैंड डेल्टी तो बेटा ज्यादा, क्योंकि डेल्टी से थोड़ा टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ता है, टाइम ऑफ इंपैक्ट ये बढ़ता है और फोर्स कम हो जाता है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम सेम. And that is impulse is same here. Okay, these were some concepts related to the impulse. But yes, students, leaving these and rest of the jo application wo khud padho beta. Try karo ki sir kya keh rahe hain. Now I am going to discuss here. Okay, very nice. I will going to discuss here the numericals related to impulse. Okay, very nice. Beautiful numericals related to impulse. Dekho beta. See here, okay, very nice. देखो बेटे क्या है. Now I am going to discuss here some numericals related to impulse. Okay. देखो बेटे क्या है. यहाँ आप impulse के बारे में कुछ numericals करेंगे. Impulse. तो impulse क्या है बेटा? मैंने कहा कि impulse is nothing. It is change in linear momentum. क्या होता है बेटा? Impulse is nothing. It is change in linear momentum. याद रखो क्या है बेटा? It is change in linear momentum. देखो बेटा आप ये कैसे निकालेंगे. वंस मैंने पहले भी कहा कि वंस वी कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, इट मींस दैट वी हैव कैलकुलेटेड इंपल्स डेट इन द न्यूमेरिकल. लेट अस सी हियर. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा देखो क्या है न्यूमेरिकल नंबर. यहां पहली जो है ना, पहला जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, देखो बेटा क्या, सिंपल क्वेश्चन से यहां स्टार्ट करेंगे. देखो बेटा क्या, अगर मैंने यहां बेटा एक दीवार ले लिया, ठीक है ना, दीवार है यहां, ओके, वेन वर्टिकल वॉल, मैंने यहां एक बॉल ले ली बेटा. देखो बेटा ये बॉल है, इस बॉल का मैस है, मान लीजिए इस बॉल का मैस है 2 kg, ठीक है ना, और ये यहां चली बेटा विद सम स्पीड, मान लीजिए कि इसकी स्पीड है v इज इक्वल टू 3 m/s. किस रफ्तार से चलती है? 3 m. एंड स्ट्राइक इज दिस. सपोज आफ्टर स्ट्राइक इट कम्स टू रेस्ट. Once it strikes, suppose this body comes to rest. ये ball किस में आई? Rest में. But when ball strikes the wall, देखो बेटा समझ लो. I will go from simple to complex. मैं दिखाऊंगा आपको जय एडवांस की भी प्रॉब्लम है, IIT की प्रॉब्लम दिखाऊंगा बेटा, नीट की प्रॉब्लम दिखाऊंगा रिलेटेड टू दिस. But I will go from simple to complex, dear students. देखो समझ लो एक एक बात. कुछ भी आ सकता है ना नीट में. जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे. क्वेश्चन आर नॉट रिपीटिंग डियर इन नीट एंड जेई. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर नॉट रिपीटिंग, बट कंसेप्ट आर रिपीटिंग डियर इन जेई एंड नीट. ओके, वेरी नाइस. तो देखो बेटे क्या है, मैंने एक बॉल ले ली जिसका मैस है 2 kg, और ये बॉल आ रही है एक्स एक्सिस की तरह, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, एंड हिट इज ए वर्टिकल वॉल एट दिस पॉइंट. मान लीजिए की पॉइंट बेटे यहां है ए, एंड इट कम्स टू रेस्ट. ये वापस नहीं आ रही, वही से स्ट्राइक तो की, वही से रेस्ट में आ गई. क्या भी बेटा? रेस्ट में. व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द वॉल इट कम्स टू रेस्ट. ये है क्वेश्चन, इट कम्स टू रेस्ट.
फाइंड, तो क्या करो मेरे बेटा, फाइंड इंपल्स, फाइंड इंपल्स ऑन द बॉल ड्यू टू वॉल, ड्यू टू द वॉल. क्या बेटा मालूम करो, फाइंड इंपल्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल. क्या है बेटा क्वेश्चन, इंपल्स मीन्स फाइंड, एक्चुअली इंपल्स तो होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम. इसका मतलब क्या है, फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यू टू द वॉल. बॉल को क्या चेंज इन मोमेंटम लाता है, वॉल, ये मालूम करना है. बट बॉल कम्स टू रेस्ट हियर, ये यहां बेटा क्या आती है, सपोज दिस इज वी वन यहां, तो वी टू क्या है यहां, वी टू मीन वी टू इज हियर जीरो, दैट मीन इट कम्स टू रेस्ट. ये किसमें आती है, रेस्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स दिस वॉल. फाइंड इंपल्स, तो इंपल्स क्या आएगा बेटा, देखो क्या है सोल्यूशन इसका, वेरी इजी. Here only motion is along horizontal motion, कोई vertical motion नहीं है. So we cannot use here resolution of vector. We can simply take all equations along horizontal direction. क्योंकि भाई vertical direction यहां बेटा काम नहीं करे, vertical direction की यहां कोई काम नहीं है, क्योंकि बाल सीधे जा रहे हैं यहां crest में आ रहे हैं. तो only motion here is, it is just like a one dimensional motion. Okay, wait, guys. तो इंपल्स क्या आएगा बेटा, इंपल्स, इंपल्स क्या आएगा बताइए, इंपल्स, इंपल्स इज इक्वल टू बेटा आई इज चेंज इन मोमेंटम डेल पी. तो डेल पी किसके बराबर आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा, इस बॉडी का मास कीजिए है, किस पहले यहां किस रफ्तार से जाती है, यहां 3 meters per second. लेकिन v2 यहां क्या आती है, फाइनल में क्या आती है, फाइनल वेलोसिटी इज इट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 3 meters per second एंड फाइनल वेलोसिटी इज इट इज 0 बिकॉज़ इट कम्स टू रेस्ट. तो हमको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इंपल्स. तो इंपल्स आएगा बेटा फाइनल डेल पी मीन्स फाइनल मोमेंटम पीएफ माइनस पीआई. पीएफ इज फाइनल मोमेंटम एंड पीआई इज इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा, ये तो 0 में आएगी, लिख लो m into vf. vf इज मैस, क्योंकि ये होता है मास इनटू वेलोसिटी. माइनस लिखेंगे यहां, एम तो सेम है, लेकिन यहां पी आई के बजाय यहां लिखेंगे वेलोसिटी में वी आई. पी आई लिखेंगे एम आई, एम इंटू वी आई, दैट इज इनिशियल मोमेंट, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. और पी एफ लिखेंगे फाइनल मोमेंटम, लिखेंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. तो बेटा क्या आएगा, मास को कॉमन कर लो, तो यहां क्या आएगा बेटा, वी एफ माइनस वी आई. ओके, वेरी नाइस. लेकिन वी एफ क्या है, वी टू इज हियर वी एफ, वी एफ है, ठीक है ना, वी टू इज वी एफ एंड वट इज वी वन, वी वन इज वी आई, ठीक है ना. तो बताए बेटा चेंज इन इंपल्स या चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या आया, डियर पर बेटा यहां लिखेंगे आई, दैट इज आई इज नथिंग, इट इज चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. तो बेटा ये किसके बराबर आएगा, ये है यहां एम, एम कितना है बेटा, एम, एम बताए, एम हेयर इज 2 kg. ओके, वेरी नाइस, 2 kg. इनटू बेटा वी एफ क्या है, वी एफ हियर बिकॉज फाइनल वेलोसिटी कम्स टू रेस्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स द वॉल. तो बेटा यहां 0 लेंगे, वी एफ इज 0, तो माइनस लेंगे वी आई, वी आई कितनी है बेटा, वी आई हियर इज 3 meters per second. ओके, वेरी नाइस. तो डियर फॉर बेटा यहां लिखेंगे आई इज इक्वल टू डेल पी, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज यहां लिखेंगे बेटा 2 kg इनटू, ये 0 तो खत्म, तो यहां क्या लिखेंगे, 3 meters per second. तो बेटा इसको इसके साथ जरा दे दो, तो क्या आएगा, 2 3 6 माइनस 6 kg मीटर पर सेकंड. ये आया आंसर, दैट इज इंपल्स और चेंज इन लीनियर मोमेंटम. ओके, वेरी नाइस, बात आई बेटा समझ में. तो जो दीवार देता है ना चेंज इन मोमेंटम लाता है किसमें, बॉल पर, तो इसकी डायरेक्शन क्या है चेंज इन मोमेंटम की, दैट इज माइनस, इट मीन दैट इज, इट इज टुवर्ड्स दिस दिस डायरेक्शन. तो आई आ गया, आई इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस यहां इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है ना. ओके, वेरी नाइस, याद रखा, क्यों माइनस आ गया यहां बेटा, एक चीज याद रखो बेटे, क्या है यहां डायरेक्शन, देखो बेटे क्या है यहां, मान लो बेटा ऐसे राइट डायरेक्शन हो, यहां ऑरिजिन, अगर यहां ही ऑरिजिन कहा मान लो, लेकिन राइट मान लो बेटा पॉजिटिव एंड लेफ्ट मान लो नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन क्या आ गई, ये नेगेटिव. इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम हियर इज, डियर स्टूडेंट्स, इट इज नेगेटिव. क्या है बेटा, नेगेटिव. ओके, वेरी नाइस, बात आई समझ में बेटा, बात आई समझ में. ओके, वेरी नाइस, क्यों मैंने यहां पी एफ ले लिया पॉजिटिव माइनस पी आई, ये पी आई लेना था बेटा, क्या ले लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पी आई ऐसे है ना पी आई. ओके, पी आई तो क्या है बेटा, ऐसी आ गई, पी एफ इज फाइनल, पी एफ फाइनल क्या है, वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ क्या है बेटा, 0, फाइनल तो 0 है, माइनस वी आई, वी आई तो ठीक है ना, वी आई को मैंने पॉजिटिव मान लिया था, क्योंकि मैंने यहां पॉजिटिव दे दिया था ना वैल्यू, पॉजिटिव यहां, राइट को मैंने पॉजिटिव मान लिया, लेफ्ट को नेगेटिव. सी सी मैं बताऊंगा, देखो बेटा क्या, डेल पी किसके बारे, पी एफ माइनस पी आई, पी एफ किसी बार एम इंटू वी एफ माइनस पी आई किसी बार एम इंटू वी आई, एम मैंने कॉमन लिखा, वी एफ माइनस वी आई. देखो बेटा यहां मैंने ये वी आई पॉजिटिव ले लिया था, पॉजिटिव.
अगर मैंने नेगेटिव ले लिया था तो इसका मतलब है कि राइट को मैंने नेगेटिव मान लिया था, लेकिन मैंने राइट को क्या मान लिया पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव यहां ले लिया। ओके, तो बेटे यहां ये माइनस लिखना था, लेकिन ये तो जीरो आ गया, ये माइनस लिखो यहां प्लस, क्योंकि यहां डेस्ट में आता है। ठीक है ना, बात आई समझ में। तो ये किसके बराबर है, एम इंटू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ कितना है, ये तो रेस्ट पर आती है, तो यहां बेटा इसने जीरो लिखा। लेकिन इनिशियल क्या है, इनिशियल इनिशियल तो इसकी क्या है बेटा, 3 मीटर पर सेकंड। तो क्या है चेंज इन मोमेंटम, माइनस सिक्स। तो इसका मतलब क्या है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स मीन्स इट इज इन व्हाट डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हियर इज द डायरेक्शन ऑफ आई, डायरेक्शन ऑफ आई इज टुवर्ड्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, याद रखो। बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ये तो आई वेक्टर है, इसका मतलब है वेक्टर, लेकिन इस आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सिक्स किलोमीटर, सॉरी केजी, ये केजी है यहां बेटा, केजी मीटर पर सेकंड। तो बेटा वो किसके बारे में, वो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बेटा ये आया है इसी केजी, किस केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड। क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ आई, प्लस के जी, लेकिन क्या है आई, माइनस क्या, माइनस का मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में, अगर हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे और इसको नेगेटिव, तो यहां, लेकिन अगर बेटा यहां पॉजिटिव मान लेंगे, यहां इसको नेगेटिव, तो ये फाइनल में पॉजिटिव आता, तो इसका मतलब है कि यहां, लेकिन हमने इसको यहां इसको बेटा राइट को पॉजिटिव मान लिया और लेफ्ट को क्या मान लिया, नेगेटिव। परेशान तो नहीं, आसान है ना, आसान क्वेश्चन। देखो बेटा एक और क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, सीधी है, परेशान होने की कोई बात नहीं। देखो बेटा, वी विल गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा समझाएंगे सब कुछ, परेशान होने की कोई बात नहीं, दो तीन चार क्वेश्चन करेंगे, तीन चार क्वेश्चन के बाद आपको सब कुछ एक कन्वेंशन वन्वेंशन सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर टू, सी दिखाएंगे दो तीन क्वेश्चन तब तक जब तक कि आपकी क्लैरिटी नहीं आ जाएगी, ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, अब यहां मैंने यही बॉल ले ली, बॉल मान लीजिए कि बेटा क्या, यही 2 kg वाली बॉल, सेम स्पीड बेटा क्या, मैंने लिखा यहां कितना लिखा है पहले क्वेश्चन में क्या, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलते हैं, ठीक है ना, एंड अलॉन्ग एक्सिस, यहां बेटा वॉल है, दीवार है, यहां दीवार चीन है यहां, तो जब बेटा ये स्ट्राइक आ गई, अभी रेस्ट पर नहीं आ गई, दूसरा केस मैंने क्या लिया, यहां बढ़ाएंगे ना लेवल, लेवल बढ़ाएंगे आप लोगों की, क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालेंगे, टेंशन मत लो, हर कोई क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो ये वापस आएगी बेटा, ये वापस आएगी यहां, सपोज ये वापस आती है कि विद द सेम स्पीड, यहां किस स्पीड से गई, 3 मीटर पर सेकंड, तो वापस आई विद द सेम स्पीड बेटा, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। क्या क्या है क्वेश्चन, हियर इज ए बॉल ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg, बॉल का मास बेटा 2 kg है, ये यहां एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है 3 मीटर पर सेकंड, तो जब दीवार को स्ट्राइक किया, वापस आई गेंद विद द सेम स्पीड, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड, फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंड दैट चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज नथिंग, दैट हियर इज इंपल्स, दैट बेटा यहां क्या है इंपल्स, वो निकालना है, ठीक है ना। फाइंड क्या, फाइंड यहां लिखा ना, इसका मतलब है कि v1 यहां, v1 कितनी है यहां, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, वापस आ रही है विद द सेम स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, बट व्हेन इट स्ट्राइक्स दिस वॉल, ओके, व्हेन बॉल स्ट्राइक्स वॉल, व्हेन बॉल इज विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, इट स्ट्राइक्स द वॉल एंड देन कम्स बैक विद द सेम स्पीड 2 3, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है, फाइंड फाइंड इंपल्स, इंपल्स ऑन द बॉल ड्यू टू वॉल, फाइंड इंपल्स ऑन द वॉल, सॉरी इंप्रेस ऑन द बॉल, बॉल पर क्या निकालो बेटा इंप्रेस, बट दिस इंप्रेस इज डियर स्टूडेंट्स नथिंग, इट इज लीनियर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, ओके, निकालो लीनियर चेंज इन मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स, निकालो बेटा, तो क्या है सॉल्यूशन, क्या आएगा बेटा, ओके, निकालो सॉल्यूशन यहां इसका। देखो बेटा क्या है सीडीएर, क्या है ये, मानो इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, और बेटा ये क्या है आफ्टर रिबाउंडिंग, रिबाउंड होती है बॉल, तो रिबाउंड होती है यहां, आफ्टर स्ट्राइकिंग वॉल, आफ्टर किसको, आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल बट विद द सेम स्पीड, बट विद द सेम स्पीड, अब रेस्ट में नहीं आ रही है, आप क्या वापस आ रहे हैं, बट विद द सेम स्पीड, आप क्या निकालना है बेटा, आप निकालना है इंपल्स, इस बॉल पर कितना इंपल्स हो रहा है यहां, कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, लीनियर चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू दिस वॉल, वो निकालना है। देखो बेटा के, तो यहां लिखेंगे आई इज इक्वल टू डेल पी, दैट इज लीनियर चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। एक बात बेटा याद रखो, यहां राइट को मान लो बेटा, यहां राइट को मान लो पॉजिटिव और लेफ्ट को क्या मान लो नेगेटिव, याद रखा, जरूरी मानना है।
राइट को बेटा मैंने मान लिया पॉजिटिव और लेफ्ट को बेटा क्या मान लिया नेगेटिव, ये जरूरी नहीं है बेटा। आप लेफ्ट को ही पॉजिटिव मान सकते हैं और राइट को पॉजिटिव, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए यूजुअली हम राइट को पॉजिटिव लेते हैं और बेटा लेफ्ट को क्या लेते हैं नेगेटिव, ठीक है ना। ओके बेटा देखो बेटा क्या है, तो आई किसके बराबर है, आई वेक्टर हियर इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। बेटा किसके बराबर है, पी एफ माइनस पी आई। तो ये कौन सी एक्सिस है, द मोशन इज टेकिंग प्लेस फर्स्ट इट इज गोइंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस देन व्हेन इट रिटर्न्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस, बेटा ये आ रही है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस वापस आ रही है, क्या आ रही है, ये वापस आ रही है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमें निकालना है आई इज इक्वल टू डेल पी दैट इज इम्पल्स इज इक्वल टू लीनियर चेंज इन मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो बेटे क्या निकालना है यहां, ओके वेरी नाइस, तो यहां निकालना है आर इज इक्वल टू डेल पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, क्या है बेटा पी एफ माइनस पी आई। तो देखो बेटा पी एफ किसके बराबर है, एम इंटू वी एफ माइनस एम इंटू वी आई, ठीक है ना बेटा, क्या लिखा मैंने बेटा पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ एंड पी आई इज इक्वल टू माइनस एम वी आई, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। ओके बेटा क्या है, एम वी एफ माइनस एम वी आई फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, तो मैथ्स को बेटा यहां कॉमन कर लो, लेकिन यहां लिखो वी एफ माइनस वी आई, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या है, ये पहले यहां साइन कन्वेंशन लेना है, राइट को क्या मान लेना है पॉजिटिव और लेफ्ट को बेटे क्या मान लिया नेगेटिव। तो वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये तो ये सॉरी इनिशियल है बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी के वापस आ रही है। तो ये क्या है माइनस, क्यों ये माइनस, ये बेटा लिखेंगे अगर वी एफ लिखेंगे दैट इज लिखेंगे थ्री माइनस आई, क्यों माइनस आई, क्योंकि I cap is the direction along x axis, लेकिन minus I cap is the direction along negative x axis। तो v आप लिखेंगे 3 minus I, क्या लिखेंगे बेटा यहां, देखो बेटा क्या m कितना है, m here is dear student 2 kg, तो 2 लिखा मैंने यहां 2 into v आप क्या है बेटा 3 meter per second, लेकिन यहां लिखना है वेक्टर फॉर्म है क्योंकि मैंने वेक्टर लिखा यहां, तो 3 इसका मैग्नीट्यूड है लेकिन ये किस डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं x एक्सिस, तो ये x एक्सिस की तरफ माइनस y कैप है, ठीक है ना बेटा। ओके माइनस यहां फार्मूला का, तो vi क्या है, vi इज इनिशियल बेटा, vi कितना है, ये सेम स्पीड है 3, लेकिन ये जा रही है x एक्सिस की तरफ, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, i कैप प्लस i कैप, ठीक है ना, और इसको क्लोज कर लो। vf लिखा मैंने यहां बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ vf इज बेटा 3, लेकिन vf ये वेक्टर इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इसका 3 है यहां, लेकिन किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहां माइनस ले लो, यहां माइनस, ये फॉर्म का माइनस, यहां vi इनिशियल कितना है बेटा 3, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, ये ऐसे जा रहे दैट इज पॉजिटिव x एक्सिस, i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बता बेटा क्या आएगा यहां 2 2 बेटा, ठीक है ना, यहां कॉमन क्या निकलेगा बेटा, ओके वेरी नाइस, देखो बेटा 2 कॉमन निकलेगा 3, लेकिन यहां बेटा माइनस आई कैप, माइनस यहां बेटा माइनस क्या आई कैप रहेगा, ठीक है ना, इसको ऐसे डियर फॉर बेटा आई इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा डेल्टा पी इज इक्वल टू बेटा किसके बार, 6 इंटू 2 3 आर 6 बेटा, ठीक है ना, इंटू बेटा यहां लिखेंगे माइनस आई कैप, माइनस का आई कैप दैट इज माइनस 2 आई कैप, ठीक है ना। तो बेटा ये आएगा 6 2s और 12 दैट इज माइनस 12 एंड इज आई कैप। तो डियर फॉर बेटा आई लिखेंगे डेल पी वेक्टर, डेल पी वेक्टर ही वेक्टर है क्योंकि वेक्टर फॉर्म, तो ये किसके बराबर है, माइनस 12 आई कैप। तो इंपल्स किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव, तो चेंज इन मोमेंटम है यहां, चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बार इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सिस एंड इंपल्स इज ऑल्सो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सो डायरेक्शन इसकी क्या है, दैट इज डायरेक्शन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड आई का इज इक्वल टू डेल पी का मैग्नीट्यूड ऐसे बेटा इज इक्वल टू माइनस 12 आई, यहां बेटा लिखेंगे माइनस 12 आई कैप, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना बेटा, यहां लिखेंगे, देखो बेटा सीरियल, तो बेटा यहां आएगा डियर फोर, ये आई आएगा किसके बराबर आएगा बेटा, आई आएगा डेल पी, तो डेल पी लिखेंगे आप क्योंकि मैग्नीट्यूड है,
तो माइनस होता है प्लस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 12 लिखेंगे तो आई कैप का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है बेटा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो देयरफॉर आई क्या है बेटा, आई आया यहां 12, ठीक है ना, 12 केजी मीटर पर सेकंड, ये आ गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, बात आई बेटा समझ में, इजी क्वेश्चन था, इजी, लेकिन ऐसे ही पढ़ना है ना, आगे 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 ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, देखो सीरियल, सी डी एर, ओके वेरी नाइस। यहां अगर बेटा क्वेश्चन आपके लिए है, अगर बेटा यहां ऐसे देखो, ये निकालना घर में निकालना, ये क्वेश्चन करना, अगर ये वॉल है बेटा, ठीक है ना, वॉल देखो बेटा क्या है वॉल, अगर यहां बेटा बॉल, यही बॉल जिसका मास कितना है 2 kg, और बेटा यहां किस रफ्तार से, जहां वेलोसिटी इसकी 3 m/s इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v1, लेकिन बेटा आप स्ट्राइक वापस आ गई बेटा, ये वापस आ गई विद वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 5 m/s, ठीक है ना, अब क्या है 5 m/s वापस आई, अब सेम वेलोसिटी से नहीं वापस आई, अब ज्यादा वेलोसिटी से वापस आई, v2 इज इक्वल टू 5 m/s, फाइंड बेटा क्या करो मालूम, फाइंड इंप्लस आर चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, फाइंड क्या बेटा करो, इंप्लस करो निकालो, बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओके वेरी नाइस, फिर एट एन इंक्लाइन में ऐसे लगाऊंगा बॉल, ऐसी आएगी बॉल 2 dimension में, अभी मैं 1 dimension की बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में भी ऐसी क्वेश्चंस आती है, नीट में भी है ना, सब कुछ है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, देखो बेटा तो क्या आएगा, सीधे देखो बेटा क्या आएगा, दिया फॉर सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ, आ यहां आएगा बेटा डेल पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, ओके वेरी नाइस, वेरी इजी, तो बेटा मैंने कहा कि यहां बेटा राइट को मान लो पॉजिटिव, और लेफ्ट को बेटा क्या मान लो, लेफ्ट नेगेटिव, और बेटा राइट को क्या मान लो बेटा पॉजिटिव, ठीक है ना, ये वाली पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव, तो देखो बेटा क्या है, पी एफ किसके बाद एम इंटू वी एफ वेक्टर माइनस एम इंटू वी आई वेक्टर, ओके वेरी नाइस, तो एम बेटा कॉमन निकलेगा, ये क्या आएगा वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर, ओके वेरी नाइस, तो बेटा एम कितना है, एम तो बेटा 2 kg है, इंटू बेटा वी एफ किसके बाद है, वी एफ तो फाइनल है, दिस इज इनिशियल बेटा, दिस इज इनिशियल, दिस इज हियर इनिशियल, और बेटा ये वी टू क्या है आफ्टर रिबाउंडिंग, आफ्टर रिबाउंडिंग बेटा ये जो है ये है वी एफ, तो वी एफ क्या लिखेंगे, पहले वी एफ लिखेंगे, ये लिखेंगे 5, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में है तो लिखेंगे माइनस आई कैप से, क्योंकि अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन लिखते हैं माइनस आई कैप से, माइनस वी आई, वी आई इनिशियल तो 3, लेकिन ये किस से किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दैट इज प्लस आई कैप, ओके वेरी नाइस, ऐसे लिखा मैंने, तो देयरफॉर बेटा यहां लिखेंगे आई वेक्टर किसके बाद आएगा, आई वेक्टर आएगा बेटा 2, ठीक है ना, 2 kg इंट बेटा लिखेंगे, यहां देखो बेटा क्या है 5 - i = -5 i कैप, ओके प्लस माइनस इज माइनस, दैट इज 3 i कैप, ठीक है ना, ऐसे बेटा तो ये किसके बाद आएगा 2 kg इंटू -5 and -3, दैट इज -8 i कैप, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस, तो बेटा बताए आई वेक्टर इंप्लस वेक्टर किसके बराबर आएगा बेटा, यहां लिखेंगे इंप्लस वेक्टर, ऐसे बेटा लिखेंगे आई किसके बराबर आएगा, आई वेक्टर बेटा ये आएगा बराबर 2 8s और 16 - 16, ठीक है ना, तो बेटा 16 क्या आएगा, 16 लेकिन -16, तो ये क्या है डायरेक्शन क्या है आई कैप, ओके वेरी नाइस, यहां बेटा केजी ये तो मीटर पर सेकंड है, यहां ही मीटर पर सेकंड लास्ट है ना, केजी मीटर पर सेकंड, ये आया बेटा आई का, लेकिन अब मैग्नीट्यूड इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन नेगेटिव है, और इंपल्स की डायरेक्शन भी नेगेटिव है, अब मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई का बेटा, आई का मैग्नीट्यूड सीधे लिखेंगे 16 पॉजिटिव, सीधे डायरेक्ट लिखो आप, और बेटा इसके साथ ही जो है ना आज का ये जो है ना सेशन खत्म हुआ, क्योंकि बिजली चली गई, तो मैं आपकी आपका मदद कर चाहता हूं, ओके वेरी नाइस।